लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए आज यानी बुधवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण के लिए मतदान 19 तारीख को होगा। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होना है। बुधवार शाम इन सीटों पर चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। अब इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार नहीं होगा। हालांकि उम्मीदवार व्यक्तिगत स्तर पर घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग सकते हैं। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री सहित कई दिग्गज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। बीजेपी के प्रत्याशी के अन्नामलाई, डीएम के प्रत्याशी कनीमोझी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, जितिन प्रसाद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, अगाथा शर्मा, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, नितिन गडकरी, अजय भट्ट, ए राजा। पहले चरण में जिन महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उनमें नागपुर, कन्याकुमारी, चेन्नई सेंट्रल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, पीलीभीत, डिब्रूगढ़, जोरहाट, जयपुर, छिंदवाड़ा, जमुई, बस्तर, नैनीताल व लक्षद्वीप आदि शामिल हैं। पहले चरण में जहां मतदान होना है उनमें असम की काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट सीटें शामिल हैं। इसके अलावा 19 अप्रैल को ही त्रिपुरा पश्चिम सीट पर भी चुनाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुबह असम के नलबाड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वह त्रिपुरा के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री ने दोपहर को त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी जनसभा को संबोधित कर जनता से समर्थन की अपील की। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार सुबह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गाजियाबाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद वह कर्नाटक में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए गए। बता दें कि देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होना है, जिसके तहत 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इस दिन कुछ राज्यों की सभी सीटों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटा न्यूज़।